न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रेलवे में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक और जीआरपी कानपुर सेंट्रल योगेंद्र प्रताप के कुशल नेतृत्व में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 से 23 साल के शातिर लुटेरे आशीष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की गई 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो मोटरसाइकिल अन्य स्थानों से चुराकर कानपुर रेलवे स्टेशन में खड़ा कर देता था, मौका पाकर यहां से ले जाकर बाहर बेच देता था। इसके साथ ही चोरी के मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ पर बताया कि यमहा R15 एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से और TVS अपाचे नवाबगंज उन्नाव से जिम के सामने से चुराई हुई थी। अब जीआरपी थाने की पुलिस हिरासत पर लेकर उसे जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। ये भैया रेलवे में जो चोरियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों में अभियान चलाया जा रहा था। इसमें अभी कल ही इसको पकड़ा गया, आलोक को, पुत्र जगदीश पाल, ये भागलपुर का रहने वाला है। मोटरसाइकिल इसने 2 मोटरसाइकिल चुराई थी इसने। एक मोटरसाइकिल जिम के पास से चुराई थी, एक मोटरसाइकिल अन्य स्थान से चुराई थी और दोनों को 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम के जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, जिसके क्रम में पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तगणों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, जिसके चलते जनपद श्रावस्ती में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य पद यात्रा राम जानकी झांकी और DJ के साथ निकाली गई। DJ की धुन पर सैकड़ों युवा राम भक्त थिरकते हुए दिखाई दिए और इसी के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्तगण रथ पर सवार भगवान श्री राम हनुमान जी पर पुष्प वर्षा करते हुए आरती करते हुए नजर आए। वातावरण आसपास के इलाके में जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर गुरु गोविंद जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन किया गया था। एक तरफ सनातन धर्म का केंद्र भगवान राम अयोध्या स्थित मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन रामायण से जुड़ा एक पार्क ऐसा भी है जो बधाली की दास्तान सुना रहा है। ये पार्क है कानपुर का रामायण थीम पार्क। कानपुर का मोती झील अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये वो जगह है जहां से राजनीतिक गलियारों के नारे गूंजा करते थे। मोती झील में स्थित तुलसी उपवन का रामायण थीम पार्क बधाली के आंसू बहा रहा है। ये कानपुर का इकलौता रामायण थीम पार्क है जहां पर रामायण की थीम पर पार्क बनाया गया है। केवट मिलन हो या फिर जटायु संवाद, सबका चित्रण यहां मूर्ति के जरिए बखूबी किया गया है। लेकिन मात्र 1 साल पहले बनाया गया रामायण थीम पार्क जर्जर हो गया। मूर्तियां खुले आसमान के नीचे बिना किसी शेड के मौसम की मार से बदरंग हो गई है। रखरखाव के अभाव में कई जगह से मूर्तियां खंडित भी हो गई हैं। झूले, शौचालय, कूड़ेदान सब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहां मौजूदा लेक और उसकी सीढ़ियां भी पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि इस रामायण थीम पार्क का उद्घाटन खुद CM योगी ने मात्र 2 साल पहले जनवरी को किया था। CM के उद्घाटन करने के बावजूद इसकी हालत जर्जर है। तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बनाया पार्क अब पर्यटकों से महरूम है। नगर निगम का कहना है कि इसके लिए पर्यटन विभाग को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झांसी के टेहरौली बस्ती से ग्राम बमवाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 4 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मृत्यु की ग्रामीणों को सूचना मिली। वहीं ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पक्षियों को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र टेहरौली अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनुआ में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को सुबह इतर बितर राष्ट्रीय पक्षी मृत मिले। जानकारी मिलते ही समाज सेवी राकेश कुशवाहा ने थानाध्यक्ष टेहरौली दिनेश कुरेली को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। सभी शवों को इकट्ठा कर वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। सभी शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य 2 घायल पक्षियों को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। झांसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल यहां पर बमनुआ गांव में 4 राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर मृत अवस्था में पाए गए, जिसके बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंची है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो 2 घायल पक्षी थे उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। हालांकि मौत किन कारणों से हुई है ये पता लगाया जा रहा है।
सीतापुर न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ के वकील के तख्त पर तबियत खराब हो गई। तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कड़ाके की ठंड के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक विजय कुमार थाना मिश्री क्षेत्र का रहने वाला है। न्यायालय परिसर में हरिजन एक्ट की पेशी पर आया था विजय कुमार। दरअसल पूरा मामला जिला न्यायालय सीतापुर शहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। महोबा मुख्यालय में बीते दिनों ताबड़तोड़ हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। अपने दुश्मन को फंसाने के लिए ही पीड़ित ने अपनी बुआ के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज गोलीकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने पर जनपद की स्वार सर्विलांस और शहर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज डीसीआर सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब खुलासा किया तो सभी हैरत में पड़ गए। पीड़ित की सगी बुआ ने ही आपराधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर विपक्षियों को फंसाया। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी बुआ भतीजा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर 3 अवैध तमंचे कारतूस 20,000 के नकदी सहित वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया। पुलिस की निष्पक्षता से एक बेगुनाह की जिंदगी बच गई जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जहां अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं तो वहीं राम भक्त भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम भक्तों में 22 जनवरी को लेकर इस कदर दीवानगी है कि वो अपने आराध्य के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यूपी के संभल से कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया है जहां एक ऐसा राम भक्त है जो 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हालांकि हर कोई कर रहा है। इस राम भक्त ने 22 जनवरी को मोटरसाइकिल की सर्विस फ्री करने का ऐलान कर दिया। पेशे से मोटरसाइकिल मिस्त्री गुड्डू ने 22 जनवरी का दिन यादगार बनाने के लिए अलग तरह की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। आखिर लोगों का बरसों पुराना राम मंदिर बनाने का सपना जो पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। हर कोई इस दिन का साक्षी बनने का बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अनोखे तरीके से भी भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में योगदान देने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच संभल की तस्वीर वाकई दिल को छू देने वाली है। जिले के सदर इलाके के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी गुड्डू ने भगवान श्री राम में अपनी आस्था का इजहार कर दिया और 25 साल से मोटरसाइकिल सर्विस कर रहे लेकिन ऐसा उत्साह उसने पहले कभी नहीं देखा, इसका कहना है। हालांकि दीपावली पर भी लोगों में त्योहार को लेकर अलग उत्साह रहता है लेकिन 22 जनवरी को लेकर उत्साह बहुत अलग है। तो ऐसे में मिस्त्री गुड्डू ने ऐलान कर दिया कि 22 तारीख को जो भी मोटरसाइकिल यहां आएगी उसकी सर्विस वो फ्री में करेंगे। उसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उस दिन अपनी जो जितनी भी बाइकें हमारे पास आएँ उसके लिए हम सर्विस फ्री करें राम जी की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष में। अच्छा, 22 तारीख को लेकर ज़्यादा उत्साह का माहौल है। जी बहुत ज़्यादा। तो आप इसी को लेकर कि अयोध्या में राम जी की मूर्ति स्थापना हो रही है तो आप उस दिन जो है 22 तारीख को पूरे दिन भर गाड़ी की जो सर्विस होगी फ्री रखेंगे। फ्री रखेंगे जी। अच्छा, आपको कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग हो गए करीब 25-26 साल। अच्छा, ऐसा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी आपने देखा कुछ इस तरह का माहौल? जैसे दीपावली पर भी बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। जी नहीं, इस बार तो ज़्यादा ही है, दीपावली पर तो रहती ही है। हाँ, लेकिन इस बार जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है उस उपलक्ष में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर के संजय सिंह उर्फ कमांडर सहित तमाम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा का दामन थाम लिया। पार्टी के प्रदेश सचिव संजय दुबे और जिलाध्यक्ष अरविंद राजभर सहित तमाम पार्टी नेताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही संगठन को मजबूत करने का अनुरोध किया। दरअसल सुभाषपा की जिला इकाई द्वारा नगर के निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव संजय दुबे, प्रदेश सचिव पूर्वांचल रमेश चंद यादव, जिलाध्यक्ष अरविंद राजभर, अमेठी जिलाध्यक्ष सतीश मिश्रा उपस्थित रहे। इस दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की नीतियां रीतियों से प्रभावित होकर मोतिरपुर के बड़े नेताओं में शुमार संजय सिंह उर्फ कमांडर ने पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें जिलाध्यक्ष का पद नवाज दिया गया। वहीं पार्टी ज्वाइन करने वालों में शिवाकांत गिरी को जिला सचिव और राहुल श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में प्रशासन की लापरवाही से एक मजदूर जिंदगी और मौत के बीच एम्स में जंग लड़ रहा है। बता दें कि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में पहाड़ की डांग गिरने से रोकने के लिए लगाया जा रहा पत्थरों का पुश्ता अचानक गिर गया। पुश्ता गिरने से एक मजदूर मलबे में दब गया जबकि 11 मजदूर बाल बाल बच गए। मजदूर को पुलिस एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबे से बाहर निकाला जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया जहां मजदूर की हालत गंभीर है। मजदूर की पहचान अन्य निवासी दमोह मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।
घटनास्थल पर मौजूदा लोगों ने बताया कि शिवाजी नगर में पहाड़ की डांग गिरने से कई मकानों को खतरा बना हुआ था। बरसात के दौरान तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर आए थे, जिन्होंने सरकारी स्तर पर पुश्ता लगाकर पहाड़ की डांग को रोकने का दावा किया, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि स्थानीय भू माफिया बिना परमिशन वन विभाग की मिलीभगत से डांग को रोकने के लिए पुश्ता लगा रहा था, जो अचानक गिर गया। पहाड़ की डांग गिरने से पहाड़ के ऊपर बने मकानों को अब और ज्यादा गिरने का खतरा हो गया है। लोगों का कहना है कि भू माफिया लगातार वन विभाग के मिलीभगत से खनन करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से पहाड़ की डांग लगातार नीचे खिसक रही है। मौखिक रूप से वन विभाग तहसील प्रशासन को शिकायत दी गई, बावजूद इसके अधिकारियों ने खनन को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि पहाड़ की डांग नीचे गिरी और एक मजदूर घायल होकर एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मोबा में सिपाही ने वर्दी की मर्यादा को सड़क पर तार तार कर दिया। शराब के नशे में दो सिपाही सड़क में बेसुध मिला है। रोड पर पड़े सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे में धुत यूपी पुलिस का सिपाही दिनेश सिंह है। जमीन पर मिले सिपाही को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। कोतवाली पुलिस सिपाही को गाड़ी में लाद कर ले गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नानकमत्ता ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में दशमेश पिता श्री गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पांच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में संगत ने नगर कीर्तन में हिस्सा लेकर गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में मत्था टेका। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह की शोभा यात्रा गुरुद्वारा साहिब से होकर शुरू होकर सितारगंज मार्ग पर पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां पर पंप स्वामी सुखदेव सिंह समाज सेवी उमेश अग्रवाल द्वारा नगर कीर्तन में आई संगत के लिए चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा से पहले गतका पार्टी अपने कर्तव्य दिखाते हुए चलती रही थी। शोभा यात्रा में गुरु नानक इंटर कॉलेज का बैंड आकर्षण का केंद्र था। वहीं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं, न्यू लाइफ स्कूल के बच्चे, गुरु नानक एकेडमी के बच्चे शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। सर्वधामी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से नगर कीर्तन कढ़ाया गया है, जिसे सारे विद्यालय स्कूलों के बच्चे कमेटी के जीवन तक और सारी संगठन इलाके पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सब लोग मिलजुल के अपना पंच का भला करन और एकता रखन, एकता बहुत जरूरी है। इसमें वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वॉल इंडिया के साथ। जो हम मिलते